आज हम बना रहे हैं जीरा राइस। हेलो, वेलकम टू माय चैनल डिजर्ट लाइफस्टाइल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन दी नोटिफिकेशंस। जीरा राइस बनाने के लिए चावल लिए हैं हमने आधा किलो, शाही जीरा लिया है 2 चम्मच। चलिए शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम तेल में 2 तेज पत्ते डालेंगे, दालचीनी 1 टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी पीपल, ये ऑप्शनल है। हम इसमें जीरा डाल देंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे। जीरे को 30 सेकंड भूनेंगे। 30 सेकंड हो चुके हैं, जीरा भुन चुका है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी को उबलने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आधा नींबू निचोड़ देंगे जिससे कि चावल हमारे चिपकेंगे नहीं। ढककर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, चावलों में सिर्फ थोड़ा पानी रह गया है। अब हम गैस को कम कर देंगे और चावलों को ढककर 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और चावलों को 10 मिनट ढका हुआ ही रहने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चावल बनकर तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 मिनट हो चुकी है, गैस को बंद कर देंगे। 5 मिनट चावलों को ऐसे ही छोड़ देंगे। पांच मिनट हो चुकी हैं, जीरा राइस बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले हुए बनकर तैयार हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।